आज राज्य के सभी जिला के उपायुक्त महोदय और कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी, जिला प्रशासन की टीम के साथ हमारे विभाग की अति महत्वपूर्ण बैठक जो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को लेकर था मुख्यतः, और इसके साथ ही ऋण माफी, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, इन सब चीजों का को लेकर एक एजेंडा दिया गया था जिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। यह मीटिंग मुख्यतः जो फोकस था वो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को लेकर था। आपके माध्यम से राज्य की जनता को विभाग के तरफ से यह जानकारी मैं देना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन विभाग ने इस कार्य के लिए कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग को निर्देशित किया है कि इसमें पहल करें, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब की मौजूदगी में निर्णय लिया उसको लेकर धरातल पर कैसे यह योजना सभी प्रभावित लाभुक के बीच पहुंचे उसको लेकर सारी कवायद की जिम्मेदारी हमारे विभाग के ऊपर आ गई। हमने अपने विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीक साहब, एग्रीकल्चर डायरेक्टर निशा उराव मैम, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मृत्युंजय बर्नवाल साहब, एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर शशि प्रकाश झा साहब, विशेष सचिव प्रदीप हजारे जी, मुकेश सिन्हा जी, इन सबके टीम के साथ सारे कंसेप्ट को सभी जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारियों को बता दिया। मैं आपके माध्यम से राज्य के जनता को भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में 22 जिले के 226 प्रखंडों में आवेदन लिए जाने हैं और अंतिम तिथि 30 तारीख को है, 30 नवंबर। कई जगह प्रक्रिया शुरू भी है। इसमें लोगों को फ्रेश आवेदन देना है और टोकन के रूप में 1 रुपया उनको जमा करना है, मतलब उनका 1 रुपया आ गया तो हम ये समझेंगे कि उनका आवेदन हमें मिल गया। आवेदन उन सभी किसानों को देना पड़ेगा जिनके पास या तो 1 डिसमिल जमीन हो, 1 एकड़ जमीन हो, 10 एकड़ जमीन हो, या फिर जमीन हो ही नहीं। जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना, यदि सुखाड़ की स्थिति नहीं आती, वर्षापात का औसत अच्छा रहता, तो हमने जो कवायद की थी हमारे कोऑपरेटिव से झारखंड राज्य फसल राहत योजना, उसके तहत लोगों को लाभ दिया जाता है। अभी भी जिन जिला को चिन्हित नहीं किया गया वहां झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जाएगा। और इसकी जो तिथि, बीच में पोर्टल बंद था, वो पोर्टल चालू कर दिया है, ये 15 दिसंबर तक चालू रहेगा। लगभग पीएम किसान में जो किसान है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत जो किसान है, या जो किसान किसी कारणवश इन सब में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है, जिनका ई केवाईसी हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, उनको एक फॉर्मेट के माध्यम से फ्रेश आवेदन 1 रुपया के टोकन पर
कॉमन सर्विस सेंटर प्रज्ञा केंद्र सेंटर पर हमने लेने का निर्देश दिया है। 3500 रुपये भी प्रति लाभुक को एक राशन कार्ड पर एक व्यक्ति जो भी आवेदन करेगा उसके नाम से जाना है। ऋण माफी योजना में जो डाटा हमें उपलब्ध कराया गया बैंकों के द्वारा शुरू में, लेकिन जब हम समीक्षा करने लगे तो लगभग 9 लाख का डाटा था, 9,02,000 का, कितने स्टैंडर्ड लोनी हैं। अपलोडेड जब होना शुरू हुआ तो लगभग 6 लाख का हुआ, लेकिन जब हम ई केवाईसी कराने गए तो लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन 4 लाख का डाटा अभी तक हमें प्राप्त हुआ है। और ई केवाईसी होने के उपरांत ही विभाग पैसा ट्रांसफर करती है। तो ये जो लगभग दो लाख किसान जिनका अपलोड हो गया, किन कारणों से उनका ई केवाईसी नहीं हो रहा है, यदि मिसमैच हो रहा आधार नंबर में या उनके राशन कार्ड नंबर में, कारण बता के उनको इलिजिबल हैं नॉट इलिजिबल हैं ये बताने का निर्देश दिया गया, क्योंकि बजट में पैसे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। जिला लॉगिन के स्तर पर लॉगिन में जो अप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हुए ऋण माफी के लिए, उपायुक्त महोदय सबको कहा गया कि आप उसको तुरंत क्लियर करें, या तो उसको नॉट इलिजिबल के कैटेगरी में डाल दें, या फिर यदि एलिजिबल हैं तो उनका ई केवाईसी करा दें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।